हेलो एवरीवन, जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप लोगों ने मेरी बात मानी, वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हैं और आप लोग लाइक भी कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं भी देखो आप लोगों के लिए भरपूर अपना जितना सहयोग हो सकेगा सब कुछ करने को तैयार हूँ। आपके लिए कंटेंट ला रहा हूँ मैं, और बिल्कुल यही कंटेंट रहेगा जो आपको एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट क्वेश्चन होंगे आपके, बिल्कुल कुछ अलग होने वाला नहीं। ठीक, तो आप लोग अपना 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 रिस्पॉन्स जरूर दिया करो, कमेंट जरूर किया। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया कि अभी तक हम लोग पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री इसका देख चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है, इसी वीडियो के नीचे लिंक दिया है, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक, आज हम लोग पार्ट फोर की शुरुआत कर रहे हैं। ये पार्ट चार है आपका। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि यदि दीर्घाक्ष की लंबाई लघु अक्ष की 3 गुनी है तो उत्कीर्णता बताइए। दीर्घाक्ष की लंबाई लघु अक्ष की 3 गुनी है, तो देखो दीर्घाक्ष क्या होता है 2a और लघु अक्ष क्या होता है 2b। क्वेश्चन में कह रहा है कि दीर्घाक्ष की जो लंबाई है ये है, वो इस लघु अक्ष की क्या है, ये 3 गुनी है। लघु अक्ष की क्या है, ये 3 गुनी है। तो दोनों को बराबर करने के लिए, ये देखो इसकी ये 3 गुना है, तो अगर इसमें 3 से गुणा करा दे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बराबर। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 से 2 कट गया, यानी ए बराबर क्या निकल के आया, ए बराबर 3b के, ए बराबर 3a। दीर्घाक्ष लघु अक्ष, दीर्घाक्ष ए होता है, ए ग्रेटर देन बी है। जब ए ग्रेटर देन बी होता है तो एक कंडीशन होती है, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर होता है। ठीक है, ये सबको पता होगा। तो देखो बी स्क्वायर तो ऐसे ही है, ए ए का मान कितना आया 3b, तो यहाँ पर रखोगे 3b का स्क्वायर यानी 9b स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1 माइनस ई स्क्वायर। यहाँ पे देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, ये बचेगा 1 और ये 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे 9e स्क्वायर। ठीक है, इस 9 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 9 इधर आके देखो क्या हो जाएगा, -8, ये कम हो जाएगा, तो -8 बराबर -9e स्क्वायर। माइनस से माइनस काटोगे तो ई स्क्वायर बराबर 8/9 आ जाएगा, ई बराबर √8/9। तो 8 को क्या ले सकते हैं 2√2, और इस 9 को क्या ले सकते हैं 3, तो √2/3। ओके, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ आया, उम्मीद अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, और ये देखो एक चीज के लिए आपसे थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा, यहाँ पे कोई बारात निकल रही है अभी, तो साउंड वगैरह आपको दिक्कत पड़ रहा हो तो थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेना। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए देखें, आप क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन आपको दिया है, इंटीग्रेशन ए से बी लिमिट है एक्स की पावर 7 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डीएक्स, इसका मान क्या होगा। जहां पे कह रहा है इस क्वेश्चन में ए प्लस बी का मान 0 है, ए प्लस बी का मान क्या है 0, यानी इन दोनों को मिला के क्या बनना है 0। ठीक है, इसका मान बताना, ये ऑप्शन देगा। अब अच्छा एक बात बताओ, अगर ये ए प्लस बी का मान 0 है, ए प्लस बी का मान 0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव होगा, उतना ही नंबर ये निगेटिव होगा जितना ए पॉजिटिव होगा। यानी अगर मान लो ये 2 माइनस का है अगर, तो ये प्लस का 2 होना चाहिए, अगर ये प्लस का 2 है तो ये -2 होना चाहिए। कुछ भी हो मतलब, ये अगर प्लस का है तो ये वही नंबर माइनस का होगा, तभी 0 आया होगा। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है क्वेश्चन का, कि ये लिमिट आपको माइनस ए से ए दी गई है, माइनस ए से ए दी गई ये कंडीशन के अनुसार। ठीक है, तो अब देखो माइनस ए से ए लिमिट दी जाए, तो एक चीज याद रखना कि ऑड फंक्शन अगर आपको दिख जाए, ऑड फंक्शन उसका इंटीग्रेशन करना हो तो हमेशा क्या होता है 0। अब इसको चेक कर लो, ये ऑड फंक्शन तो नहीं है, तो देखो ये लिमिट तो श्योर हो गई कि माइनस ए से ए है। देखो एक्स की पावर 7 एक ऑड फंक्शन आपको पता है, साइन एक्स ऑड फंक्शन होता है और कॉस एक्स भी क्या होता है ऑड, ऑड प्लस ऑड, ऑड प्लस ऑड को जोड़ोगे तो इवन, इवन फंक्शन बनेगा, और इवन बटे ऑड लिमिट क्या है माइनस ए से ए, इसका हमें DYdx करना, इंटीग्रेशन करना, सॉरी। ठीक है, अब देखो इवन बटे ऑड, इवन बटे ऑड क्या हो जाएगा ऑड फंक्शन, लिमिट क्या है माइनस ए से ए, इसका क्या करना है इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा 0। और फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है 0, तो क्या हो जाएगा ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो अच्छे से समझ आया कि नहीं आया, कमेंट जरूर करना। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, यदि लॉग बेस में 10 दिया है एक्स प्लस 1 प्लस लॉग 5 बेस 10 इक्वल टू 3, तो एक्स का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, आपको दिया क्या गया, लॉग बेस में 10 एक्स प्लस 1 प्लस लॉग बेस 10 5 इक्वल टू 3, ये दिया गया। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान समझना। देखो लॉग में आपको एक चीज तो पता ही होगी कि लॉग एम प्लस लॉग एन, बेस कुछ भी हो, ठीक है बेस कुछ भी हो बस सेम होना चाहिए, दोनों जगह क्या हो सेम। ठीक, तो ये एम प्लस एन क्या हो जाता है, लॉग एम इंटू एन हो जाता है, ठीक है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे देखो ये लिखा है लॉग, यहाँ पे बेस यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 है, दोनों सेम है, तो लॉग इसको एम समझ लो, इसको एन समझ लो, इसको एम और इसको एन, तो ये बन जाएगा लॉग बेस 10, तो वही रहेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स प्लस 1
और मल्टीप्लाई 5, ठीक है, इक्वल टू में क्या दिया था 3, इक्वल टू में क्या दिया 3। एक चीज और आप समझ लो, लॉग में एक प्रॉपर्टी और होती है कि लॉग एक्स बेस में ए बराबर वाई दिया है, तो अगर एक्स का मान निकालना चाहो, एक्स का मान, ठीक है, तो एक्स बराबर क्या हो जाता है, ये जो संख्या होती है इधर, ये बेस की पावर बन जाती है, एक्स बराबर ए टू दी पावर वाई, ठीक। तो यहाँ देखो, अगर इसका मान निकालना चाहो, एक्स प्लस वन और मल्टीप्लाई में क्या दिया 5, तो ये जो संख्या आई है ये 10 की पावर बन जाएगी, 10 की पावर 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, 1000 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, एक्स प्लस वन और ये मल्टीप्लाई 5, 5 से काटोगे तो 200 बार कट जाएगा और एक उधर जाके घट जाएगा, तो एक्स का मान क्या जाएगा 199, 199, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी राइट आंसर, ओके, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, अंक 1, 2, 3, 4, 7, 9 से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, जिनमें से प्रत्येक 600 से कम है, जिनमें से प्रत्येक क्या है 600 से कम है, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है, रिपीटेशन अलाउ है, आपको अंक दिए गए 1, 2, 3, 4, 7, 9, ठीक है, ये नंबर दिए गए, कह रहा है इनमें से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो कि प्रत्येक 600 से कम हो। अच्छा, 3 अंक की संख्या बनानी है तो 3 प्लेस भरने होंगे आपको, अब मैं बात समझना, 600 से कम होनी चाहिए, 600 से कम होनी चाहिए, तो ये क्या तय करेगा, पहला नंबर तय करेगा कि वो संख्या 600 से बड़ी है या 600 से छोटी है, तो पहले स्थान पर अगर 6 रख देंगे तो इनमें देखो 0 तो है नहीं, तो 6 रखने के बाद कोई भी नंबर रखोगे 600 से बड़ी आ जाएगी, 600 से बड़ी आ जाएगी, तो हम 6 या 6 से बड़ा नंबर यहाँ नहीं रख सकते, तो 6 से बड़े नंबर कितने हैं इसमें, 1 और 2, तो ये 2 नंबर यहाँ नहीं रख सकते पहले प्लेस पे, बाकी तो कोई रख सकते हैं, तो बाकी है कितने, 1, 2, 3, 4, तो इस पहले स्थान को बनने के तरीके कितने हैं 4, और आपसे कह रहा है जबकि अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है, यानी रिपीटेशन क्या है अलाउ है, आप कर सकते हो, तो टोटल अंक कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो ले लिया फिर से दोबारा ले सकते हैं, तो दूसरे स्थान पर बनने के तरीके 6, ऐसे तीसरे स्थान को बनने के तरीके 6, सबका मल्टीप्लाई करा लोगे आपका आंसर हो जाएगा, तो 6 × 36, 36 × 72 × 144, 144 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ओके। तो उम्मीद है समझ में आया, अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, आप कमेंट करके ही बता सकते हो ये तो, ठीक है। तो अब देखें क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि वृत्त x² + y² + 4x - 4y + 1 = 0 के केंद्र के नियामक है, केंद्र के नियामक का मतलब क्या है, केंद्र के निर्देशांक क्या है, ठीक है, आपसे सेंटर पूछ रहा है, बिल्कुल आसान इजी क्वेश्चन है, आपसे सेंटर पूछ रहा है, तो सेंटर क्या हो जाएगा, ध्यान समझ रहा, सेंटर क्या हो जाएगा, देखो जो भी एक्स दिया, ये जनरल समीकरण दी गई है सर्किल की, तो अगर एक्स दिया, एक्स के साथ में जो नंबर है उसका आधा करो, एक्स के साथ में क्या है 4, 4 का आधा क्या हो जाएगा 2, जो आ जाए जो भी साइन के साथ यहाँ पे आएगा उसका उल्टा यहाँ लिखेंगे, 2 आया प्लस का तो यहाँ पे -2, कॉमा वाई के साथ के आधा करो तो -4 का आधा -2, उसका चिन्ह बदल दो तो यहाँ हो जाएगा +2, ये आपके आंसर हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा केंद्र के नियामक, तो देखो कौन सा ऑप्शन है, -2, 2 -2, 2 बी ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ओके। तो अच्छे समझ में आया कि नहीं आया, आप डायरेक्ट कर लोगे ना, एक्स के गुणांक का आधा करो चिन्ह बदल दो, वाई के गुणांक का आधा करो चिन्ह बदल दो, ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे केंद्र के नियामक, ठीक, ओके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए ध्यान से, sin(x+4) 1, 1, 1x+4) 1, 1x+4, ये जो डिटरमिनेंट दी गई है 0 के बराबर है, आपसे कह रहा है इसके मूल क्या होंगे, इसके रूट्स पूछ रहा है आपसे, ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन का शॉर्टकट देखना है आपको, शॉर्टकट समझना है, बाकी बेसिक तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, जब भी आपको क्या दिया है ऐसे ही डिटरमिनेंट दी जाए जिसको ये मुख्य विकर्ण है, इसको छोड़कर सारे एलिमेंट क्या हो 1 1 1, सारे एलिमेंट क्या हो 1 1 हो, और इसमें एक्स का वाला मान हो, इसमें क्या हो एक्स वाली वैल्यू हो, ठीक, और 0 के बराबर हो, मूल पूछ रहा हो, तो क्या करना है आपको, या तो किसी भी एक कॉलम को जोड़ लो या फिर किसी एक रो को जोड़ लो, किसी एक कॉलम को जोड़ो या किसी एक रो को, तो इसको जोड़ो जरा, x+4 + 1 + 1, और ये जो आ जाए इसको 0 के बराबर कर दोगे तो पहला मूल मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा पहला मूल, तो x बराबर ये 6 हो जाएगा, उधर जाके -6, ये पहला मूल हो गया, दूसरा मूल कैसे मिलेगा ध्यान समझना, जो x वाला एलिमेंट दिया है इसको इस बगल वाले एलिमेंट के बराबर कर देते हैं, तो x+4 = 1, तो x बराबर उधर 4 जाएगा -4 और ये +1 कम होगा तो -3, तो -3 और -6 ये दो आपके मूल हो गए, कौन सा ऑप्शन है, -3 और -6 दोनों माइनस किस में, सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गए होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं तो आपको डायरेक्ट ट्रिक समझनी है, ठीक है, शॉर्टकट आपको समझना है, कुछ चीजें आप ऐसे ही समझ लिया करो ताकि इससे क्या होता है जल्दी हो जाता है, ठीक है, आपको केवल आंसर से मतलब, क्वेश्चन कैसे करना है बेसिक करना आना तो आपको 12th क्लास में बहुत सारा सीखा ही होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 7,
तो आइए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पढ़िए ध्यान से, क्वेश्चन है आपका साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 80 डिग्री, इसका मान किसके बराबर होगा? सारे किस्में दिए मल्टीप्लाई में है, तो ये ऑप्शन है आपके। तो देखो ऐसे क्वेश्चन की मैंने क्या शॉर्ट ट्रिक बता रखी है आपको, इसी वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे डायरेक्ट समझ लो, जब भी आपको दिया जाए कि साइन थीटा, इस फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 माइनस थीटा एंड साइन 60 प्लस थीटा, 60 प्लस थीटा, साइन थीटा 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है 1/4 sin 3 थीटा, 1/4 sin 3 थीटा, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो अब देखो यहाँ पे ये देखो, अगर हम 20 डिग्री को थीटा मान लें, तो ये देखो 20 डिग्री थीटा है, तो ये 60 माइनस थीटा लिखा है, 60 माइनस 20 यानी 40 लिखा है, तो ये 60 माइनस थीटा हो गया। अब 60 प्लस थीटा, 60 प्लस थीटा यानी 60 और 20 80 हो जाएगा, तो ये 60 प्लस थीटा लिखा है, 60 प्लस थीटा। तो देखो इसकी जगह, इसकी जगह और इसकी जगह, इन तीनों को मिला के लिख सकते हैं हम लोग 1/4 sin 3 थीटा, थीटा कितना है 20, 20 में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो साइन 60 डिग्री बचेगा, और ये वाला बच गया, तो ये यहाँ पे लिख दो साइन 60 यहाँ पे लिख दिया, 1/4 sin 60 का मान √3/2 × √3/2, ये इसका मान हो जाएगा, तो √3 √3 मिलकर 3 हो जाएगा, 4 × 8 × 16, तो 3/16 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा है, 3/16 यानी बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। तो आपने अगर ये नहीं देखी ट्रिक तो आप इसी वीडियो के नीचे जाके देख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया गया, कह रहा है अति परवलय x²/9 − 22²/16 बराबर 1 की उत्केंद्रता क्या होगी? आपको हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी पूछी गई, ठीक है। तो देखो ध्यान से आपको कैसे निकालना है, शॉर्टकट समझ लो, इसका शॉर्टकट आपको बहुत काम आएगा, डायरेक्ट एक लाइन में आंसर लिखना है। यहाँ पे जो भी वैल्यू दी जाए, यहाँ जो वैल्यू दी जाए इन दोनों को जोड़ लो, तो 9 + 16, 9 + 16 अपॉन में छोटी वाली वैल्यू, अपॉन में छोटी वाली वैल्यू, ये जो आ जाए इसका क्या लेना वर्गमूल, ये आपकी इसेंट्रिसिटी हो जाएगी एक लाइन में। तो 16 और 25, 25 ये रूट से बाहर आ जाएगा तो 5, और ये 9 रूट से बाहर आ जाएगा तो 3, 5/3 आपकी क्या हो जाएगी, इसकी उत्केंद्रता 5/3 यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके एक बार फिर से समझ लो, नीचे जो वैल्यू दी जाए इन दोनों को जोड़ लो अपॉन छोटी वाली वैल्यू, नीचे जो वैल्यू दी जाए इनको जोड़ लो अपॉन छोटी वाली वैल्यू, और जो आ जाए उसका पूरे का वर्गमूल ले लो, पूरे का वर्गमूल आपकी क्या हो जाएगी, उत्केंद्रता हो जाएगी, ठीक है। तो एक लाइन में ऐसे आप आंसर टिक करोगे। अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 9। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, आपको इंटीग्रेशन दिया गया, इंटीग्रेशन करना है 10 की पावर 5x dx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ऑप्शन मैंने नहीं लिखे, थोड़ा बड़े बड़े ऑप्शन थे इस वजह से, ठीक है। तो समझ लो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन समझ लो, वैसे करोगे तो काफी लेंथी है इसका। तो देखो यहाँ पे देखो 10 की पावर में जब भी पावर बने, कोई भी पावर, एन पावर हो, कुछ भी पावर का मान हो, तो पहले ये देखो विषम के समय, यहाँ पे पावर क्या है ऑड है, तो इससे कम लिखो, तो 10 की पावर 4x लिखो। अब यहाँ 4 है तो 4 से छोटे, 4 एक इवन नंबर है, तो 4 से छोटे सारे इवन नंबर लिख लो, 10 की पावर 4, 4 से छोटा क्या हो जाएगा 10 की पावर 2x, 10 की पावर 2x, इसके बाद तो होता नहीं है, तो यहाँ पे लिख दो log sec x, log sec x, ठीक है, प्लस सी। अब आपको क्या करना है, जो पावर में दिया है वही नीचे लिखो, जो पावर में दिया है वही नीचे, साइन यहाँ से स्टार्ट करो, प्लस माइनस प्लस, ये आपका आंसर हो जाएगा एक लाइन, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा एक लाइन। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जैसे एक क्वेश्चन और देख लो, 10 की पावर आपको दिया जाए 7x dx, ठीक है, तो आंसर डायरेक्ट लिखना है 10 की पावर 7, इससे छोटा एक इवन नंबर हो जाएगा 6x, तो 6 है तो नीचे 6 लिख लो, इससे छोटे सारे इवन नंबर लिखो, तो 6 के बाद क्या आ जाएगा 4, 10 की पावर 4x अपॉन जो पावर वही नीचे, 10 की पावर 2x जो पावर वही नीचे, अब इसके बाद नहीं होगी तो log sec x, log sec x, ठीक है, प्लस सी जोड़ दो। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस, ये साइन हो जाएंगे, अल्टरनेट साइन लगाने आपको। ओके तो उम्मीद है अच्छे समझ गए होंगे, अगले वीडियो हम लोग देख लेंगे यहाँ पे जब इवन पावर हो, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 10। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपको, −7 + 24i, इसका आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, ठीक है। वर्गमूल क्या होगा, ये ऑप्शन है। अब देखो समझो इसको भी हम लोग क्या देखेंगे, ट्रिक के साथ देखेंगे, ध्यान समझना। आपको अगर a+ib दिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, इसका अगर मॉड निकालना हो तो मॉड क्या होता है, अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर a² + इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर b², यही तो इसका मॉड हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए उसका सबसे पहले मॉड निकाल लो, तो इसका मॉड क्या हो जाएगा, इसका मॉड हो जाएगा अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, तो −7 का स्क्वायर, −7 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट 24 का स्क्वायर, ठीक है।
इसको सॉल्व करना। तो 7 का स्क्वायर 49 और ये 4 का 24 का स्क्वायर 576, इसको आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 625, रूट से बाहर निकालोगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? 25। अब आपको मॉड निकालने के बाद क्या करना है, ध्यान समझना। मॉड आ गया इसका 25, बाकी ये हटा दे रहे। तो देखो, अब मॉड निकालने के बाद क्या करोगे, जो भी मॉड की वैल्यू आई हो वो यहाँ पे लिख दो 25, एक बार यहाँ लिख लो 25। ठीक है, रियल पार्ट क्या है, एक बार इसमें जोड़ दो, एक बार इसी में घटा दो। रियल पार्ट क्या है, -7। तो -7 इसमें जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, -7 जोड़ने पे -7 का है ना, ये तो -7 ही रहेगा। यहाँ घटाएंगे तो घटाने का चिन्ह पहले लगेगा, और -7 घटाना तो ये +7 हो जाएगा। दोनों के बटे में 2 लगाना है, जिससे घटाया हो उसके साथ आई लगा दो, उसके साथ आई लगा दो, फिर दोनों का वर्गमूल ले लो। बहुत आसान है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। यहाँ पे चिन्ह क्या है, प्लस, तो बीच में प्लस लगा दो, बस सॉल्व कर लो। 25 से 7 कम करोगे तो कितना बचेगा, 25 से 7 कम करोगे 18, 18 का आधा 9, और 9 बाहर निकलेगा तो 3, प्लस 25 और 7 कितना हो जाएगा, 32 का आधा 16, 16 बाहर निकलेगा तो 4, और ब्रैकेट बाहर क्या है, आई, 3 प्लस 4 आई आपका आंसर हो जाएगा, 3 प्लस 4 आई। ओके, ये ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर समझ लो, मॉड निकालो, मॉड में क्या करो, रियल पार्ट घटाओ, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, जिसके साथ घटाया वहां आई लगाना है, दोनों का वर्गमूल लेके बटे दो करना है, बस आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से आ जाएंगे। और हाँ, एक बात और समझ लो, आप लोग अगर चाहते हो कि मैं शॉर्ट ट्रिक के वीडियो, 2 से 4 5 मिनट का, बहुत ज्यादा 5 मिनट का वीडियो होगा, ठीक है, उसमें क्या है, 1 से 2 ट्रिक आपको डिस्कस कर दूंगा, और उस पर बेसिस 2-3 क्वेश्चन। अगर आप लोग चाहो तो मैं 2 से 3 वीडियो, छोटे छोटे तो जल्दी बन जाते हैं, इसको मैं अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर जो भी चाहता है तो कमेंट करना, तो आपके क्या होंगे, चैप्टर वाइज 2 से 3 ट्रिक मैं डेली अपलोड करता रहूंगा। ठीक है, अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 11। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से पढ़ो, कह रहा है एक पासे को उछाला जाता है तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी। पहला क्वेश्चन है आपका, ऊपर आई संख्या 4 से बड़ी हो, दूसरा है ऊपर आई संख्या 3 की गुणजोड़, 3 की मल्टीपल में हो, ऊपर आई संख्या 3 से छोटी ना हो। ठीक है, तो तीनों केस में ध्यान समझना आपको, एक पासे को उछाला जाता है, पासे में कितनी घटना हो सकती है, पासे में कितनी घटना है, 1 2 3 4 5 6, टोटल केस कितने हो सकते हैं, 6। तो ये हुआ टोटल केस, आपके टोटल केस हो गए 6, पासे में 6 ही नंबर आ सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, ऊपर आई संख्या 4 से बड़ी हो, 4 से बड़ी संख्या हो, आपकी प्रायिकता क्या है, किस बात की निकालनी है, फर्स्ट क्वेश्चन में कि ऊपर आई संख्या 4 से बड़ी हो, तो ऊपर क्या क्या ले सकते हैं हम लोग, 4 से बड़ा 5 या 6, 2 नंबर ऐसे हो हैं जो 4 से बड़े हैं, तो ऊपर यहाँ पे 2 हो जाएगा, और टोटल कितने हैं, 6, 2/6 यानी 1/3, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1/3। ठीक है, दूसरा समझो, यहाँ पे प्रायिकता निकालनी है आपको, ऊपर आई संख्या 3 की गुणज हो, तो 3 के गुणज यहाँ पे देखो, 3 का गुणज क्या है, 1 तो 3 है और 1 6 है, 2 नंबर ऐसे जो 3 के गुणज है, टोटल कितने नंबर, 6, तो 2/6 को सॉल्व करोगे 1/3। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ऊपर आई संख्या 3 से छोटी ना हो, 3 से छोटी ना हो तो आप कैसे निकालोगे, 1 -3 से छोटी, 1 -3 से छोटी, ये अगर घटा दोगे तो आंसर आ जाए, तो 1 -3 से छोटी देखो कितने नंबर है, 1 2, तो 2/6 यानी 2/6 हो जाएगा 1/3, तो 1 -1/3 सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 2/3। या फिर आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, पी बराबर 3 से छोटी ना हो, 3 से छोटी ना हो तो देखो 4 हो 3 हो सकती है, 3 से छोटी ना हो, 3 तो हो सकती है, तो 1 ये हो सकता है, 4 5 6 ये नंबर हो सकते हैं, तो 4 नंबर लेने के हो गए, और टोटल नंबर कितने हो गए, 6, 4/6 सॉल्व करोगे तो 2/3। ठीक है, तो आप चाहे जैसे भी कर लो आपका आंसर आ जाएगा, तो उम्मीद है ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 12। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखो, आपको इंटीग्रेशन बताना है, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स कॉस एक्स डीएक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन बताना, तो देखो ध्यान से, ये आपको इंटीग्रेशन करना है साइन इनवर्स, इस कॉस एक्स को साइन के टर्म में चेंज कर लो, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 -x, 90 -x लिख सकते हैं। ठीक है, और ये डीएक्स, अभी देखो एक इनवर्स बिना इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या, π/2 और -x dx, बस आपको इंटीग्रेशन करना है, तो π/2 कांस्टेंट बाहर, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 का क्या हो जाएगा, x, माइनस x का क्या हो जाएगा, x²/2, और प्लस c आपको जोड़ना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, आंसर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ध्यान से देखना, तो बीच में माइनस, बीच में माइनस एक ही जगह, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, परवलय की उत्केंद्रता क्या होती है, परवलय की उत्केंद्रता पूछ रहा है। ठीक है, तो बहुत आसान है ये सारा, आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे समझ लो, ई का मान अगर 0 है तो वो वृत्त हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वृत्त यानी सर्किल, अगर एसेंट्रिसिटी उत्केंद्रता 0 है तो वो क्या हो जाता है, सर्किल हो जाता है। ठीक है, अगर ई का मान 1 के बराबर है तो क्या हो जाता है आपका, परवलय, क्या हो जाता है, परवलय यानी पैराबोला हो जाएगा।
क्या हो जाएगा? पैराबोला। अगर ई का मान देखो जीरो से बड़ा है, किससे बड़ा है? जीरो से, और वन से छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा? दीर्घवृत्त। क्या होगा? दीर्घवृत्त यानी इलिप्स, याद है ना? अगर ई का मान क्या हो, वन से बड़ा हो जाए, तो क्या हो जाएगा आपका? अति परवलय। क्या होगा? अति परवलय, ठीक है, यानी हाइपरबोला। हाइपरबोला, ठीक, हाइपरबोला। तो देखो अब आंसर आपको दिख रहा होगा, परवलय की उत्कीर्णता, परवलय की उत्कीर्णता कितनी हो जाएगी? एक। परवलय की उत्कीर्णता कितनी हो जाएगी? एक, ठीक है। तो ये आपको सारी चीजें पहले से पता होनी चाहिए, एग्जाम देने जा रहा हो कोई वो नहीं है, आप सारा ध्यान किस पे रखो, सारा फोकस किस पे करो? एग्जाम पे, ठीक है। तो आपको देर रात पढ़ाई करनी है लग के, ठीक। इतनी गर्मी में भी देखो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आपके लिए बना रहा हूँ, आपको सपोर्ट करना मेरा भी, ठीक है ना? ध्यान रखना, वीडियो को शेयर करते रहा करो, थोड़ा कम से कम थोड़ा बहुत तो शेयर करते रहा करो, और कमेंट जरूर किया करो यार, ठीक है? ठीक। और हाँ, कमेंट लाइक भी कर दिया करो, लाइक करने कोई पैसे थोड़ी ना लगते यार, लाइक वगैरह करते रहा करो, थोड़ा मन बढ़ जाता है कि और अच्छे से वीडियो बनाए आपके लिए, ठीक है? तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि वाई बराबर अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट 10x डॉट डॉट इनफिनिट तक, तो आपसे डिवाइड इस पूछ रहा है, ठीक है? तो इस टाइप को बहुत बार मैंने कई बार बताया ट्रिक में, आपको बहुत ही आसानी से ट्रिक याद होनी चाहिए। डायरेक्ट आपको डिवाइड इस करना है, किसका? अगर वाई बराबर दिया है एफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ एक्स, ये सीरीज कहाँ तक जाए? इन्फिनाइट तक। अगर आप पहले वाले वीडियो देख रहे हो तो सब कुछ आपको क्लियर होता जा रहा होगा, ठीक है? क्वेश्चन सारे नोट जरूर करते रहना, दो चार वीडियो के क्वेश्चन नोट करो, फिर आप मैच करो कि हाँ मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? एग्जाम ओरिएंटेड है कि नहीं, आप खुद बताओगे, ठीक है? तो पहले नोट जरूर करो, दो चार क्वेश्चन पहले, एक दो दो चार वीडियो को देखो लगातार, आप नोट करते चलो, ठीक है? चलिए, तो इसका डिवाइडेंस क्या हो जाता है? यहाँ जो फंक्शन दिया उसका आकलन करो, एफ डैश एक्स अपॉन में 2y-1 अपॉन में 2y-1, ये आपका डिवाइडेंस हो जाएगा, ठीक है? तो ये फंक्शन क्या है? 10x, 10x का अवकलन sec स्क्वायर x अपॉन 2y-1, आंसर हो जाएगा sec स्क्वायर x अपॉन 2y-1, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ओके? तो आपको क्या करना है, सारे वीडियो लगातार देखने और क्वेश्चन को एक जगह नोट करते चलो, ठीक। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, पढ़ो ध्यान से। यदि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इकाई के घनमूल हैं, इकाई के घनमूल हैं, इकाई के घनमूल हैं, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा क्यूब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा, ठीक है? तो आप देखो, अगर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इकाई के घनमूल है, तो आप जानते हो कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है? 0 के, और ओमेगा क्यूब का मान क्या होता है? 1, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता है और क्वेश्चन को थोड़ा सा आपने समझ के देख लिया, थोड़ा सा इसको देखा, ध्यान से देखा, तो आपको दिख जाएगा कि ये देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखा, तो इसका मान 0 हो जाएगा, और 0 का मल्टीप्लाई पूरा किसी में भी करा दो तो पूरे का आंसर क्या हो जाएगा? 0। पूरे का आंसर क्या हो जाएगा? डबल 0, ठीक है? तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, बस इसको आपको समझना था। अगर इसको ध्यान से नहीं देखा तो आप सॉल्व करते रहोगे, मल्टीप्लाई कराओगे, कहीं इसकी वैल्यू रखोगे, सॉल्व करते रहोगे, ठीक है? तो ये पता होना चाहिए आपको, अच्छे से पता होना चाहिए सारी चीजें, कॉन्सेप्ट और ये सब चीजें रिवाइज करते रहो अच्छे से, ठीक है? और ये सीरीज आप लगातार देखते रहो, क्योंकि इसमें आगे आपके आपका ही बेनिफिट है, और ये सीरीज, ठीक है? और ये सीरीज आप लगातार देखते रहो, सारे क्वेश्चन नोट करते रहो अच्छे से। अब क्या है, इसके आगे जो भी वीडियो आएंगे थोड़े क्वेश्चन के लेवल में अच्छे से बढ़ा दूंगा, तो ठीक है? तो अब आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन एक जगह नोट करते हुए चलना है और अच्छे से सबको समझते चलना है, ठीक है? तो अब क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो से, क्या करेंगे, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ाएंगे, ताकि क्वेश्चन एग्जाम के ओरिएंटेड, एग्जाम के हिसाब से हो पाए, ठीक है? तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगर वीडियो पसंद आता है तो शेयर करते रहना, और वीडियो को लाइक जरूर करना, ओके? थैंक यू, जय हिंद।